नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम टमाटर का अचार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। इसे टमाटर की चटनी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो आइए टमाटर का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर काटकर तैयार करेंगे। टमाटर हमें ऐसी वैरायटी के चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा पल्प होता है, जो सलाद के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये टमाटर हम काटेंगे। पहले इनका थोड़ा सा हेड काटकर हटा देंगे और इसके बाद हम इन्हें रफली थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। तो सारे टमाटर हम काट कर तैयार कर लेते हैं। टमाटर पहले ही हमने धोकर पानी सुखाकर ले लिए हैं। अब हम इन्हें पकाएंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। पैन में हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और अब हम ये टमाटर पैन में डालेंगे। पूरी तरह सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो हम थोड़ा सा चला देंगे और ढककर 5 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम टमाटर को चला देते हैं। फिर से हम ढककर 5 मिनट मीडियम गैस पर ही पकने देंगे, फिर चलाएंगे। हमें टमाटर को एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमने टमाटर को 15 मिनट पका लिया है और हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें खुले ही थोड़ा सा मैश करते हुए पका लेंगे ताकि इनमें से जो ढेर सारा जूस बाहर आ गया है वो ख़त्म हो जाए। आग तेज़ कर देंगे। ये टमाटर हमारे मैश हो गए हैं, अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हम इनमें इमली का पल्प डाल देंगे। हमने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है। इमली का पल्प ना हो तो इमली को डाला जा सकता है। उसमें से आप बीज हटा दीजिए, धागे हटा दीजिए और करीब 30-35 ग्राम इमली इसमें डाल दीजिएगा और इसको मिलाते हुए हम 1-2 मिनट इसे पका लेंगे। ये टमाटर इमली का पल्प पककर तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। टमाटर ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें पीसेंगे। इन्हें हम मिक्सर जार में डाल देंगे। पूरी तरह ठंडा होने दें तभी पीसें, गरम गरम बिल्कुल ना पीसें। और ये टमाटर को हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। टमाटर हमारे पीसकर तैयार हो गए। अब हम अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। पैन गरम कर लेते हैं। सरसों का तेल डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से गरम होने देंगे। टमाटर के अचार के लिए तिल का तेल भी ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है। तेल में हम 2 छोटे चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। गैस थोड़ी धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। मसालों को हल्का सा भूनेंगे और ये हमने 4-5 लाल मिर्च ले लिए हैं। इनके 2-2, 3-3 टुकड़े करके डाल देते हैं और 1 पिंच हींग। गैस हमने बिल्कुल धीमी कर दी है। अब हम डालेंगे टमाटर इमली का पेस्ट। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 छोटे चम्मच नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए थोड़ी देर हम इन्हें पकाएंगे। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो 6-7 लहसुन की कली क्रश करके मसाले के साथ भूनें और मिला दें। इसी तरीके से करी पत्ता भी डाल सकते हैं। 15-20 करी पत्ता लें और मसाले के साथ में उन्हें भूनें और मिला दें। मसाले मिलाने के बाद हमने इसे 4-5 मिनट पका लिया है। पूरा तेल अचार के ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अचार बनकर तैयार है। हम इसे किसी भी प्याले या कंटेनर में निकाल लेंगे। टमाटर का अचार बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी अचार बना है। अचार को पूरी तरह ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर या फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। आप अचार को अगर बाहर रखकर खाना चाहते हैं तब आप इसे 1 महीने तक खा सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखकर खाएंगे तो अचार को 3 महीने तक रखकर खाया जा सकता है। अचार को निकालते समय ध्यान रखना है कि जो चम्मच आप अचार निकालने के लिए यूज करें वो बिल्कुल गीली ना हो, साफ और सूखी हो। अचार बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो आप ये अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।